हेलो गाइस, वेलकम टू सी एच डी। माई सेल्फ चेतन सिंह भी। आज हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। अच्छा, लेवेंथ वालों के लिए बेसिकली एक्सरसाइज 3.2 ट्रिगो 2 का 3.3 सॉरी 3.2 तक हम लोग कर चुके हैं, और डिप्लोमा वालों के लिए ये सेम ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब न्यू चैप्टर होगा डिप्लोमा वालों के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, सबसे फर्स्ट थिंग क्या है, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स है क्या। देखो नॉर्मल क्या होता है, साइन थीटा ना। अच्छा, तो थीटा को अगर मैंने और एंगल दूसरा ले लिया, देखो इसका मल्टीपल लिया क्या आएगा, टू थीटा, तो वही है ना, कॉस टू थीटा, टेन टू, सारे फॉर्मूले थे, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले लिखे हैं। तो अभी ये फॉर्मूले आए कहाँ से, चलो डिराइव करते फटाफट। चलो साइन टू थीटा, अच्छा इसको ऐसा ले सकता हूँ मैं, साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा, कंपाउंड एंगल ना, तो ए बी थीटा है, बी बी थीटा, क्या फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी, बट दोनों थीटा ही है, प्लस कॉस ए साइन बी। तो बेसिकली क्या आएगा, टू टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, दोनों सेम है ना, ओके। हाँ, अभी नेक्स्ट, अच्छा इससे ये वाला भी डेर कर दो, टेन थीटा वाला, देखो टू साइन थीटा कॉस थीटा है ना। अच्छा कुछ भी नहीं है नीचे, मतलब वन ना, सबका मालिक एक ना, प्रेजेंट एवरीवेयर, तो वन है, तो वन को मैं क्या ले सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ना, आइडेंटिटी ना, ओके। अब एक काम करो, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय, और वैसे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो, तो मेरे को फॉर्मूला आ जाएगा, देखो साइन टू साइन थीटा कॉस थीटा, कैसे समझा मेरे को, देखो वन प्लस टेन स्क्वायर चाहिए ना मेरे को, हाँ, तो कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड, साइन अपॉन कॉस टेन होता है, एक ही ऑप्शन है मेरे पास, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, और यहाँ पे भी सेम क्या आएगा मेरे को, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, देखो आ गया ये कॉस थीटा कैंसिल, टू साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन, ओके ये भी टेन और ये वन, फिनिश ना, देखो आ गया सेम फॉर्मूला, तो फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला सिमिलरली, बाकी भी मैं डिराइव कर सकता हूँ, कॉस का भी, कॉस टू थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस थीटा, फिर कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ओके रुको फटाफट लिख लेता हूँ मैं, कॉस थीटा प्लस थीटा है ना, कॉस टू थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा प्लस थीटा, ओके तो क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ए बी दोनों थीटा ही है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके ये एक आ गया। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा को क्या ले सकता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा को क्या ले सकता हूँ, चलो क्योंकि सेकंड लाइन वाइज ही फॉर्मूला डिराइव करता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा ये प्लस अगर मैंने इधर लेके आ गया, ऐड हो गया ना, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन आ गया ये वाला भी, तो ऐसे सारे फॉर्मूलेस में डिराइव कर सकता हूँ, लेकिन डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो सब फॉर्मूले आपको अल्टीमेटली याद ही रटनी है, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास में, ठीक है। तो चलो अभी है ना, ये फॉर्मूले के बेसिस पे जो सम्स है ना, वो सारे हम लोग सम्स करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का सेकेंड सम, फर्स्ट सम थोड़ा मतलब सेकेंड सम थोड़ा ईजी है उससे, तो पहले सेकेंड सम करता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो फाइन साइन टू एक्स कॉस टू एक्स टेन टू एक्स, इफ सेक एक्स इज इक्वल टू माइनस 13 बाय 5, एक्स इज बिटवीन पाई बाय 2 टू पाई, मतलब क्या होगा, तो मैंने देखो आपको बता भी था मल्टीपल ऑफ, तो ये 1 है मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से, अच्छा इसको मैं 2 पाई बाय 2 ले सकता हूँ, तो बेसिकली फर्स्ट से सेकंड के बीच में ऐसा, देखो ना ये पाई बाय 2 रहता और ये पाई रहता ना वैसे भी है ना, और वो भी 1 2 ना, मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा ऑल स्टूडेंट्स टेक सीएचटी ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहता है, तो देखो सेक वैसे भी नेगेटिव है ना, तो सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेगा। अच्छा अभी सेक एक्स ही है, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, सेक एक्स, सेक एक्स कितना है, माइनस 13 बाय 5 एंड एक्स इज बिटवीन पाई बाय 2 टू पाई, ओके मीन्स एक्स इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेक से मैं कॉस निकाल सकता हूँ, सिंस कॉस एक्स क्या होता है 1 अपॉन सेक एक्स, तो बेसिकली इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, माइनस 5 बाय 13 ना, ठीक है कॉस भी नेगेटिव ही रहेगा सेकेंड क्वाड्रेंट ना। अच्छा अब मैं आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ, सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज वन ना, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, वन माइनस कॉस क्या है मेरा, माइनस 5 बाय 13 का स्क्वायर, मीन्स वन माइनस, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस ही होता है, 25 बाय 169, सिंप्लीफाई करो एलसीएम, 169 माइनस, आई थिंक ये विजिबल नहीं रहेगा, रुको ऊपर लेता हूँ ये हटा देता हूँ, चलो इसका जरूरत नहीं है, मालूम है सेकंड क्वाड्रेंट सिर्फ साइन और कॉस पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव, तो देखो क्या आएगा अभी मेरे को,
169 माइनस 25 बाय 169 दैट इज 144 बाय 169, ये साइन स्क्वायर आ रहा है। ओके तो साइन एक्स क्या आएगा, प्लस माइनस ना, 144 का स्क्वायर रूट 12, 13। ओके टेकिंग स्क्वायर रूट ना। अच्छा अभी पॉजिटिव लेने का कि नेगेटिव, साइन ही पॉजिटिव है ना, सेकंड क्वाड्रेंट ना, साइन तो पॉजिटिव लेने का। और रीज़न सिंस एक्स इज बिटवीन पाई बाय टू टू पाई, ठीक है, साइन एक्स आया, कॉस एक्स है मेरे पास ऑलरेडी। ओके क्या क्या चाहिए मेरे को अभी, साइन टू एक्स, कॉस टू एक्स, टेन टू एक्स ना। अच्छा साइन टू एक्स क्या फॉर्मूला है साइन टू एक्स का, सिंपल है, टू साइन एक्स कॉस एक्स ना, है ना, थीटा की जगह पे एक्स वो चलता है, वो फर्क नहीं पड़ता एंगल में, तो टू कुछ भी आ सकता है, साइन टू थीटा, साइन टू अल्फा, साइन टू बीटा, साइन टू एक्स, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ थीटा आया तो थीटा लिखो, एक्स आया तो एक्स लिखो, सिंपल। तो साइन टू एक्स कैन बी टेन टू साइन एक्स कॉस एक्स फॉर्मूले, ठीक है, टू साइन एक्स क्या है मेरा 12 बाय 13, ओके कॉस एक्स क्या है मेरा माइनस 5 बाय 13, तो बेसिकली आंसर आएगा 12 2 जा 24, 5 जा क्या आएगा माइनस 120 बाय 169। ये मेरे को किसका आंसर आएगा, साइन टू एक्स का आएगा। ओके माइनस 120 बाय 169। चलो अभी बाकी भी कैलकुलेट करते हैं। हाँ तो रिमेनिंग फार्मूला तो है मेरे पास ऑलरेडी, है ना, रिमेनिंग फार्मूला से कॉस टू एक्स, क्या फार्मूला कॉस टू एक्स के लिए, एक तो है कॉस स्क्वायर थीटा माइन, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके कॉस स्क्वायर एक्स क्या था इसका रेसिप्रोकल, मतलब माइनस 5 बाय 13 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स क्या था मेरे को 12 बाय 13 का स्क्वायर 25 बाय 169 माइनस, अच्छा नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है कन्फ्यूज मत होना, 144 बाय 169, बेसिकली आएगा माइनस 119 बाय 169। ओके अभी लास्ट पार्ट चाहिए मेरे को टेन टू एक्स, अच्छा टेन टू एक्स का क्या फॉर्मूला, लेकिन एक ही फॉर्मूला है, टू टेन थीटा अपॉन, अच्छा टेन इन टर्म्स ऑफ कॉस और साइन नहीं, तो अभी टेन निकालना पड़ेगा मेरे को, टेन कैसे निकाल सकता हूँ, सिंस टेन एक्स क्या आएगा साइन अपॉन कॉस, साइन क्या था 12 बाय 13 और कॉस क्या था माइनस 5 बाय 13, 13 कैंसिल, माइनस 12 बाय 5 आएगा। तो अभी मैं फाइनल क्या निकाल सकता हूँ मेरा टेन टू एक्स निकाल सकता हूँ, टेन टू एक्स के लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा मेरे को, देखो ये वाला ना, एक ही फॉर्मूला है टेन टू थीटा का, तो टेन टू एक्स इज इक्वल टू, चलो फॉर्मूला लिखा क्या, टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, टेन एक्स क्या है मेरा माइनस 12 बाय 5, वन माइनस माइनस 12 बाय 5 का स्क्वायर, ये आएगा माइनस 24 बाय 5 और ये 1 माइनस 144 बाय 25 ना, माइनस 24 बाय 5 माइनस 144 बाय 25 मीन्स बाय बेसिकली माइनस 24 बाय 5 और माइनस 119 बाय 25। ओके तो देखो मेरा फाइनल होगा, इसमें शायद ये विजिबल नहीं रहेगा, स्कूल को मैं बराबर कर लेता हूँ, माइनस 12 बाय 5 दे लेता हूँ, अच्छा तो बेसिकली माइनस 24 बाय 5 इंटू, अच्छा माइनस माइनस कैंसिल कर दो ना, एक हेड एक कम हुआ, 25 बाय 119, 5 5 जा और 24 5 जा 120 बाय 119, मेरा फाइनल किसका आंसर आएगा टेन टू एक्स। तो कुछ भी नहीं था, देखो फॉर्मूला था साइन टू थीटा, पहले क्या क्या मैंने सेक एक्स से कॉस निकाला, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से मेरे को कॉस एक्स मिल गया, कॉस एक्स मिला तो साइन टू थीटा यूज़ किया, टू साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस टू थीटा यूज़ किया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और टेन टू थीटा के लिए टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, उसके लिए टेन निकाला मैंने साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो सिंपल है, अगर फ्लो में सम करोगे ना तो कुछ डिफिकल्ट नहीं, आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रखना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट सम पे आते हैं, अच्छा देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले हम लोगों ने सेकंड किया था, तो अभी देखो साइन पाई बाय टू, तो दिख ही लेता अरे यार पाई प्लोरो मत, पाई पाई का हिसाब करेंगे हम लोग, तो कैसे होगा देखो पाई है ना, अच्छा मेरे को बताओ क्या क्या वैल्यूज नोन है मेरे को, क्योंकि इसने ऐसे कुछ नोन वैल्यू दिया नहीं, तो डेफिनेटली मेरे को नोन वैल्यू से करना है, एक तो जीरो रहता है, देन 30 मतलब पाई बाय सिक्स ना, 180 बाय 6 30 होता है, 180 बाय 4 45 होता है, 180 बाय 3 60 होता है, और 90 दैट इज़ पाई बाय 2। अच्छा इसमें से कौन सा इसको रिलेट कर सकते हो तुम लोग, एक तो पाई बाय 4 कर सकते हो, है ना,
क्योंकि 4 2 करो, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अच्छा साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे साइन पाई बाय 4 हो जाएगा, 2 साइन पाई बाय 8 कॉस पाई बाय 8, लेकिन वापस मेरे को मतलब थीटा मैंने पाई बाय 8 लिया, तो 2 इंटू पाई बाय 8 क्या होता है, पाई बाय 4 ना, तो ये फॉर्मूला नहीं यूज होता है, बिकॉज इसमें ये नोन है लेकिन ये दोनों अननोन है, फ़ायदा नहीं। टेन थीटा में तो जाना ही नहीं, मेरे को टेन पूछा ही नहीं। कॉस 2 थीटा, इसमें भी ये नोन है लेकिन ये दोनों अननोन है, वही बात होगा ना, साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा इसमें मेरे को मालूम है ना, इसमें ये नोन है और ये एक ही अननोन है ना, एक नोन है तो हो सकता है, तो सिंस मैं यूज़ कर सकता हूँ कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा थीटा को मैंने लिया पाई बाय 8 कॉस 2 थीटा, अच्छा थीटा मैंने लिया है पाई बाय 8 आएगा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 माइनस 1, अच्छा 2 4 गया, अच्छा कॉस पाई बाय 4 का वैल्यू मालूम मेरे को, हाँ 1 बाय रूट 2 ना, ओके हाँ, और 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 माइनस 1 है ना, चलो इधर ले लो ना, और इसको प्लस 1 लिख लो और इक्वल लिख दो ना, इसको माइनस 1 को इधर लिया प्लस 1 हो गया, तो बेसिकली 1 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 2 आ रहा है, क्या आ रहा है 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 ना, ये 2 भी जाके इधर ये होगा, तो बेसिकली क्या आएगा 1 प्लस रूट 2, 2 रूट 2 इज कॉस स्क्वायर पाई बाय 8, ओके तो बेसिकली मेरे को सब हटा दो, चलो सर अपने अभी कॉस पाई बाय 8 क्या आएगा, अच्छा कुछ दिया नहीं मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है ठीक है, तो उसके लिए टेंशन मतलब प्लस ही लो ठीक है, कुछ दिया नहीं मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सब एंगल, तो कॉस पाई बाय 8 क्या आएगा रूट ऑफ 1 प्लस रूट 2 अपॉन 2 रूट 2, इनफैक्ट पूरे को रूट लेना ना, ओके चाहिए तो रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में, तो क्या होगा मेरे को रूट 2 से अगर मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो मेरे को आंसर आएगा, देखो चलो बिकॉज फाइनल आंसर उनका उसी फॉर्म में बुक में, यहाँ तक करोगे तो भी रॉन्ग नहीं है करेक्ट है, लेकिन बुक के फाइनल आंसर के हिसाब से हम लोग जाते हैं, चलो तो रूट 2 प्लस रूट 2 हो जाएगा, रूट 2 रूट 2 क्या होता है 2 ना, रूट 2 रूट 2 2 होता है और 2 2 इंटू 2 ना, तो बेसिकली आ रहा है मेरे को रूट 2 प्लस 2 अपॉन 2 टू जा 4, बट स्क्वायर रूट से अगर बाहर निकालना है तो 2 बचेगा ना, रूट 4 कैन बी रिटन एज 2 ना, हाँ तो ये मेरा फाइनल आंसर आ किसका आ गया कॉस पाई बाय 8। अब मेरे को चाहिए साइन पाई बाय 8, ओके तो सिमिलरली मैं साइन भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, साइन के लिए कौन सा फॉर्मूला, कॉस के लिए किया, साइन के लिए भी कर सकता हूँ ना, या उससे भी करता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, चलो यही करता हूँ बिकॉज अभी ये यूज़ किया तो ये और थोड़ा ये फॉर्मूले से यूज टू भी होना है ना हम लोग को, तो चलो ये यूज़ करते हैं कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो देखो वापस एक बार बताता हूँ मैंने ये वाला क्यों यूज़ किया, देखो ऑब्वियस है, देखो एक दिमाग लगाओ, मेरे को एक फॉर्मूला है ना तो एक ही अननोन चाहिए, दो अननोन नहीं चाहिए, थ्रू आउट ध्यान रखना, अगर एक फॉर्मूला है तो एक ही अननोन, दो अननोन नहीं चाहिए, तो मैंने क्या लॉजिक यूज़ किया, इसमें तो कितना दो अननोन है ये, हाँ इसमें सिर्फ एक अननोन है ये नोन है, हाँ दो गया, इसमें भी एक एक अननोन है ये नोन है ना, हाँ तो सेम चलो कॉस 2 हाँ तीरा को क्या लिया मैंने पाई बाय 8 1 माइनस 2 वही मेरे को पूछा है ना, हाँ ये वाला अभी देखो साइन स्क्वायर पाई बाय 8 ओके 2 4 जा कॉस पाई बाय 4 क्या होता है 1 बाय रूट 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8, अच्छा अभी इसको इस तरफ ले लो तो 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस 1 बाय रूट 2, ओके तो अभी बेसिकली हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8 रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 आया, ओके चलो इसको फर्दर फटाफट सेम तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं, सिमिलरली मेरे को बेसिकली क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, ठीक है एक काम करता हूँ अभी रूट 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, रूट 2 माइनस 1 2 रूट 2 बाद में स्क्वायर रूट करता हूँ तो बेटर रहेगा, तो बेसिकली क्या आएगा रूट 2 रूट 2 रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो गया माइनस रूट 2 2 रूट 2 रूट 2 हो गया 2 इंटू 2 आएगा, हाँ अब स्क्वायर रूट करो चलो तो साइन पाई बाय 8 क्या आएगा मेरा रूट ऑफ 2 माइनस रूट 2 और रूट 4 का रूट क्या आएगा 2 ना, खत्म हो गया
समझा? तो सिंपल था ऐसे, साइन पाई बाय एट कॉस पाई बाय एट आप कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल सा लॉजिक, मेरे को किस में यूज़र दिख रहा है, मेरे को पाई बाय एट और पाई बाय फोर में रिलेशन है, पाई बाय फोर इज ट्वाइस ऑफ पाई बाय एट, मतलब ये फॉर्मलाइज होगा। पर इसमें ये दो अननोन है, ये तो जरूरत ही ना टेन का, जस्ट जबर से जाऊंगा नहीं इसमें। इसमें भी दो अननोन है, हाँ इसमें सिंगल अननोन था, इसमें सिंगल अननोन था, तो मैं यही फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट पे जाते हैं। चलो नेक्स्ट सम, वन माइनस कॉस टू थीटा अपन वन प्लस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो चलो एल एच एस लिया, अब देखो वन माइनस कॉस टू थीटा, ठीक है। अब स्मार्ट रहने का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, मेरे को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये मेरे को क्या चाहिए, टेन चाहिए ना, टेन चाहिए मतलब डेफिनेटली मेरे को ऊपर साइन आना चाहिए नीचे कॉस आना चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि वन वन वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। हाँ क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में साइन आना चाहिए ना, साइन अपॉन कॉस साइन होता है ना, तो स्मार्ट रहने का फॉर्मूला यूज करते हो, वन प्लस कॉस टू थीटा, अच्छा वापस मेरे को नीचे कॉस चाहिए ना, तो ये वाला यूज करो, क्या टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, अच्छा वन माइनस वन माइनस माइनस प्लस, ओके और यहाँ पे आएगा वन प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये कैंसल ये कैंसल, क्या बच रहा है टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा, टू टू कैंसल टेन स्क्वायर थीटा, आर एच एस फिनिश हो गया, समझा? सिंपल था। तो ट्रिक यूज़ करने का देखो, कॉस है तो अभी कॉस के तीन फॉर्मूले, कौन सा यूज़ करने का, मेरे को न्यूमरेटर में साइन चाहिए बिकॉज टेन क्या होता है साइन अपॉन कॉस, हाँ, और डिनोमीटर में कॉस ही, तो कॉस वाला फॉर्मूला यूज़ किया, फिर सिंपल उसको सिंप्लीफाई कर दिया, खत्म हो गया। चलो ठीक है, अब देखो सेकेंड सम करते हैं, साइन थ्री एक्स प्लस साइन एक्स इन टू साइन एक्स, ओके चलो एल एच एस लो, क्या आएगा साइन थ्री एक्स इन टू साइन एक्स हुआ, ओके हाँ, प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अच्छा अब मेरे को जीरो चाहिए ना, तो अभी देखो क्या ट्रिक यूज कर सकते हो वापस, अभी यहाँ पे आके देखो अटक जाओगे, अरे बाप रे अभी क्या करना है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी ऑप्शंस क्या क्या है मेरे पास, देखो साइन स्क्वायर एक्स है ना, कॉस स्क्वायर एक्स है, अच्छा देखो इसका कुछ फॉर्मूला है ना, ये दोनों को साथ में लिया तो एक फॉर्मूला बनता है, हाँ बनता है, चलो ठीक है ये लिया और ये दोनों को साथ में लेता हूँ, चलो ऑप्शन ही नहीं, देखो साइन थ्री एक्स इन टू साइन एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स इन टू कॉस एक्स माइनस, अच्छा बट फॉर्मूला क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, एक काम करो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ना, और अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, बिकॉज फिर ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये फॉर्मूला के फॉर्म में आ रहा ना कॉस टू थीटा, तो एक्चुअली में क्या हो रहा है मेरा, ठीक है इसको तो एक बार भूल जाओ, इसका क्या आ रहा है माइनस कॉस टू थीटा आ रहा है फॉर्मूला ना, हाँ ये भी अगर मेरे को आंसर क्या पता करना जीरो, अगर ये भी कॉस टू थीटा हो गया तो काम हो सकता है, तो कॉस टू थीटा, अच्छा फॉर्मूला देखो दिख रहा है एंगल दिख रहा है थ्री एक्स एक्स है, तो थ्री एक्स माइनस एक्स क्या होता है टू एक्स ना, तो एक फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का कॉस ए माइनस बी ना, है ना, कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना, तो मेरे को दिख रहा है ना कॉस ए कॉस बी प्लस सॉरी माइनस का प्लस होता है ना और प्लस का माइनस होता है प्लस साइन ए साइन बी, तो बेसिकली फॉर्मूला हो गया कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो कॉस टू एक्स माइनस कॉस टू एक्स क्या आएगा जीरो, विच इज़ नथिंग बट आर एच एस, फिनिश हो गया सब। तो देखो ट्रिक था उसमें ये है, तो मेरे को देखने का, अरे हाँ क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला के बारे में सोचने का, मेरे को दिख रहा है चलो ये एक तो फॉर्मूला है, इसको फटाफट साइड में लेके फॉर्मूला यूज़ किया, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कैसे हटाया मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस हो गया, अच्छा ये कॉस टू एक्स आया, अब अगर ये कॉस टू एक्स है तो इसके इसको मैं हटा सकता हूँ, हाँ तुमको दिख रहा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी क्या होता है कॉस टू एक्स ना, फिनिश हो गया, समझा? सिंपल ठीक है, एक बार ये कॉस टू एक्स इसको लाना ही, तो टू एक्स कैसे आएगा सुटने का, थ्री एक्स एक्स दिख रहा है, हाँ एंगल देखो, चलो एंगल तो क्या दिख रहा है, तो सारे फॉर्मूले दिमाग में लगाओ, अब ये फॉर्मूले तो यूज नहीं होंगे, तो कौन से बचे कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले बचे, ठीक है तो कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले यूज़ करो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है चलो नेक्स्ट सम पे आते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट सम एल एच एस, हाँ तो चलो एल एच एस लिखा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ना, हाँ अच्छा ए माइनस बी द होल स्क्वायर क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, सेम ना ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ओके चलो
अब मेरे को ऑब्वियसली मालूम है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइंस स्क्वायर थीटा क्या होता है वन, तो ये साइन और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइंस स्क्वायर थीटा वन, चलो इसको साथ में ले लिया ऑब्वियस, मेरे को दिख रहा है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइंस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और देन कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइंस स्क्वायर वाई, दोनों को साथ में ले लिया तो ऑब्वियस ये बच गया। अच्छा माइनस टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस टू साइन एक्स साइन वाई, ओके। अच्छा अब देखो क्या आ रहा है मेरे को, ये कॉस स्क्वायर एक्स, इनफेक्ट एक काम कर सकता हूँ मैं, इसमें से माइनस टू कॉमन ले सकता हूँ, चलो ले लिया, ठीक है आप लोग नेक्स्ट स्टेप में लेना, मैं अभी ले लेता हूँ, माइनस टू कॉमन लिया, ये प्लस आ जाएगा मेरे को, ओके। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है वन, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई क्या होता है वन, माइनस टू कॉस ए बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, अभी हम लोग फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं कॉस ऑफ ए माइनस बी ना, तो बेसिकली देखो मेरे को क्या आ रहा है, अच्छा थोड़ा इधर कर लेता हूँ चलेगा, बाद में रब कर लेंगे, इक्वल टू टू माइनस टू ओके कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, लेकिन मेरे को ये आंसर चाहिए क्या, नहीं। अच्छा टू कॉमन ले लो, ओके तो बेसिकली क्या हो जा रहा है वन माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, अच्छा वन माइनस कॉस थीटा, कोई फॉर्मूला है क्या, तो एक काम करो, चलो मैं एक फॉर्मूला यूज़ करता हूँ वन माइनस, हाँ एक और फॉर्मूला यूज़ करता हूँ कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या है, सॉरी वन माइनस कॉस थीटा ना, तो कॉस टू थीटा क्या फॉर्मूला है, कॉस टू थीटा का और टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, अच्छा चलो एक काम करता है, इतना लॉन्ग कट माने से चाहिए एक शॉर्टकट आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, देखो कॉस टू थीटा क्या है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन ना, तो इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा चलो हम लोग ना मॉडिफाई करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है वो, इसको इस तरफ लिया तो कॉस टू थीटा प्लस वन इज टू कॉस स्क्वायर थीटा, परफेक्ट, ये इस तरफ ले लिया ना, तो कॉस टू थीटा प्लस वन कैन बी रिटन एज टू कॉस स्क्वायर थीटा, और ठीक है कॉस टू थीटा प्लस वन, लेकिन यहाँ तो माइनस है तो माइनस का क्या हो सकता है, वन माइनस कॉस टू थीटा, अच्छा देखो ये वाले के साथ ट्राई करो कॉस टू थीटा, ठीक है ये इस तरफ लिया तो मेरे को क्या हो जाएगा कॉस वन माइनस, मतलब बेसिकली क्या आएगा, इसको डिराइव करता रहो कोई इधर 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 और थोड़ा और नीचे कर लेता हूँ, कॉस टू थीटा इज़ वन माइनस, तो मैं लिखता हूँ टू साइन स्क्वायर थीटा, ओके कैन बी रिटन एज वन माइनस कॉस टू थीटा, ओके। अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ है एक्चुअली, यहाँ पे ही ये साइन है बिकॉज मैंने चेक किया अभी, मुझे वो क्योंकि ये फॉर्मूला साइन में आ रहा है, अच्छा लेकिन अभी एक और प्रॉब्लम आ रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या कौन सा थीटा है क्या है, देखो देखो चलो इसके डिराइव किया मैंने, क्या क्या इसको इस तरफ लिया टू साइंस का थीटा इज वन माइनस कॉस टू थीटा, तो है ना एक हाफ एंगल फॉर्मूले भी आते हैं, हाफ एंगल मतलब क्या होता है, देखो ये जो मेन एंगल रहेगा ना ये मेरा हाफ हो जाएगा, सिर्फ थीटा रहेगा यहाँ, चलो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ अभी पूरा वो सब फॉर्मूले को चेंज करता हूँ, थीटा है तो ये क्या आएगा थीटा बाई टू, थीटा बाई टू मतलब ये एंगल इसका हाफ, देखो टू थीटा का हाफ थीटा होता है ना, यहाँ पे भी साइन टू थीटा तो थीटा था ना, तो अगर सिर्फ थीटा रहेगा तो थीटा बाई टू, मतलब जो एंगल यहाँ पे रहेगा उसका हाफ रहना चाहिए, ये भी सब हाफ हो जाएगा अगर हाफ एंगल फॉर्मूले सेम, ये भी थीटा हुआ तो ये क्या आएगा थीटा बाई टू, ये भी थीटा हुआ तो ये क्या आएगा थीटा बाई टू, सिंपल यहाँ पे थीटा है तो थीटा बाई टू, यहाँ पे थीटा है तो क्या आएगा थीटा बाई टू, थीटा बाई टू यहाँ पे थीटा है तो क्या आएगा थीटा बाई टू, ओके तो सिंपल है जैसा एंगल है। तो अभी देखो ये अगर मेरा ये फॉर्मूला है कॉस थीटा इज वन माइनस टू साइंस स्क्वायर थीटा बाई टू, मतलब टू साइंस स्क्वायर थीटा बाई टू, तो ये क्या है कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा, अच्छा तो टू वन माइनस कॉस, सपोज ये थीटा है तो क्या आएगा टू साइंस स्क्वायर थीटा बाई टू आएगा, क्या आएगा टू साइंस स्क्वायर थीटा बाय टू, जो कि मेरे को आंसर चाहिए ना विच इज इक्वल टू फोर साइंस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय टू, ये हाफ एंगल फॉर्मूले हो गए समझा, विच इज इक्वल टू आर एच फिनिश हो गया समझा। तो एक है ना मैं आपको इंपॉर्टेंट थिंग बताऊँ, दो फॉर्मूले हम लोग डिराइव करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको है ना इनफैक्ट इंजीनियरिंग तक यूज होंगे, डिग्री बात कर रहा हूँ मैं डिग्री इंजीनियरिंग तक, दो फॉर्मूले थे जो मैंने ये अभी लिखे हैं वो मैं अलग से ना लिख लेता हूँ, पहले आप पहले पूरा डेरिवेशन एक बार देख लीजिए पूरा ये जो सॉरी प्रूव किया है हमने समझा, और ये दो जो फॉर्मूले ना वो मैं एंड में एक अलग से लिखता हूँ थोड़ा स्पेस करके, इनफैक्ट अभी ये टेन थ्री और साइन थ्री के इतने यूज़ भी नहीं होंगे तो इसको हटा देता हूँ देखो, और वो फॉर्मूले लिख देता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है फॉर्मूले देखो एक तो है वन प्लस कॉस थीटा कैन बी रिटन एज टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, जो भी एंगल लगेगा उसका हाफ, और वन माइनस कॉस थीटा कैन बी रिटन एज टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, हाँ अगर ये अभी मैंने देखो यहाँ पे टू थीटा किया तो थीटा हो जाएगा है ना, सपोज यहाँ पे टू थीटा लिखा तो ये क्या हो जाएगा
उसका हाफ एंगल, यहाँ पे भी टू थीटा लिखा, तो ये क्या हो जाएगा उसका हाफ एंगल, टू हटाया तो इसका हाफ क्या, मतलब जो भी एंगल यहाँ पे है उसका हाफ एंगल आएगा, समझा। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है जो हम लोग ने अभी डिराइव भी कर लिया और बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है ये फॉर्मूलेज, ठीक है। इनफैक्ट अगर ये फॉर्मूलेज मैं फर्स्ट सम करता ना, जो फर्स्ट किया था फटाफट आ जाता था आंसर, एक मिनट में आंसर आ जाता, ठीक है। बट अभी ये फॉर्मूलेज याद कर लो, ये हम लोग अभी आगे डायरेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। हाँ तो देखो ये सम कंप्लीट हो गया, वापस रिवाइज कर देता हूँ। देखो मैंने एक्सपेंशन किया ए माइनस बी, हाँ ए माइनस बी तो होल स्क्वायर, वापस ए माइनस बी, हाँ एक्सपेंशन किया। अब कॉस साइन को साथ में लिया, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर, क्योंकि मेरे कॉल में वन वो वन प्लस वन टू आ जाएगा, और इसमें ये दोनों को साथ में लिया, माइनस टू कॉमन लिया। अच्छा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी, हाँ इतना हो गया। अब मेरे को दिखा कि मेरे को टू माइनस टू आ रहा है, टू कॉमन लिया, वन माइनस कॉस थीटा, अब मैं फंस गया, वन माइनस कॉस थीटा। तो है ना, अगर मैंने ये फॉर्मूला याद किया, मेरा सम खत्म हो जाएगा फटाफट। वन माइनस कॉस थीटा करता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, टू साइन स्क्वायर जो भी थीटा है उसका अपॉन टू करने का, खत्म सम, फटाफट खत्म। तो मेरे को ये फॉर्मूलेज रटने, ये फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बोला ना थ्रू आउट, इनफैक्ट इंजीनियरिंग तक ये फॉर्मूले डायरेक्ट ऐसे याद, ये दो और ये वाला, ये स्टार्टिंग का, बस बहुत बहुत यूजफुल है, ठीक है। चलो अभी है ना नेक्स्ट सम करते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट सम देखो, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, अच्छा एल एच एस लो, ठीक है। हाँ चलो रिपीट किया पूरा, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस एक्स एल सी एम ना प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर, एंड देन माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स द होल स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इन टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ओके। तो अभी देखो क्या आने वाला है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक मिनट मैं मार्कर चेंज करता हूँ, किधर गया मार्कर, ये देखिए अब क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस, वापस चलो इसको ब्रैकेट में रखते हैं, ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान दो देखो क्या होने वाला है, अच्छा अभी चलो ना एक स्टेप में शॉर्टकट बनाता हूँ, ये ब्रैकेट ओपन किया मैंने तो आपको नेक्स्ट स्टेप में करना, लेकिन मेरे पास ऑप्शन है माइनस हुई तो ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया माइनस, ऑब्वियस है देखो, कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो न्यूमरेटर में क्या रहा है, फोर साइन एक्स कॉस एक्स भी लिख सकता हूँ उसको मैं, अच्छा ये तो फॉर्मूला है ना, मेरे को दिख रहा है ना क्या फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस एक्स है तो उसका एंगल क्या आएगा, टू एक्स आएगा फॉर्मूले के हिसाब से, डबल होता है ना, हाँ कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू माइनस है तो ये इसका डबल ना, थीटा बाय टू का डबल थीटा, तो एक्स का डबल क्या आएगा टू एक्स, अच्छा वापस फोर साइन एक्स टू एक्स है, हाँ तो इसमें भी कर सकता हूँ मैं, फोर को मैं टू इंटू टू लिख सकता हूँ, अच्छा टू साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है साइन टू एक्स, ऑब्वियस है, अब वैसे भी देखो मेरे को टेन चाहिए तो ऊपर साइन टू एक्स आना चाहिए ना, ठीक है देखो आ गया मेरे को टू टेन टू एक्स विच इज इक्वल टू आर एच एस, समझा। देखो सिंपल ट्रिक था, अगर कन्फ्यूजन भी हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, ये तो ठीक है मेरे को समझा, ये कॉस टू एक्स, वैसे भी देखो टेन टू एक्स है तो लॉजिक यूज़ करो, टेन क्या आएगा साइन अपॉन कॉस, वो भी टू एक्स आएगा, हाँ तो देखो नीचे कॉस टू एक्स आ रहा है, हाँ आ रहा है फटाफट, फिर यहाँ पे सोचो कैसे साइन टू एक्स आ सकता है, साइन टू एक्स का फॉर्मूला करो, साइन टू एक्स क्या टू साइन एक्स कॉस एक्स, तो टू साइन एक्स कॉस एक्स आ रहा है तो हो गया, फोर को स्प्लिट कर दो ना टू इंटू टू, खत्म हो गया सब। ये देखो अगर अटक जा रहा हो तो आंसर देखो, अरे हाँ मेरे को ये आंसर चाहिए, तो टेन क्या होता है साइन अपॉन कॉस साइन टू एक्स अपॉन कॉस टू एक्स, ये तो कॉस टू एक्स डायरेक्ट आ रहा है, ऊपर साइन टू एक्स लाना है तो लेके आओ ना जुगाड़। देखो आंसर वाले समय तो कैसे भी आपको ट्रिक यूज करके लाना ही है, एक तरफ आंसर पे ध्यान रखो मेरे को ये आंसर लाना, ठीक है चलो नेक्स्ट सम करते हैं। चलो नेक्स्ट सम रूट टू प्लस रूट टू, हाँ ठीक है बहुत सारा रूट है, तो अभी देखो लॉजिक यूज़ करो, चलो तो कभी भी एकदम अंदर वाला ही सॉल्व करने का, ऑब्वियस बाहर वाला तो कर भी नहीं सकते, ट्राई भी कर लो। अच्छा टू कॉमन लिया, वन प्लस कॉस एट एक्स, ठीक है वही ऑप्शन रहते हैं मेरे पास, तो एक चलो अभी टू प्लस टू प्लस, अब देखो ये वाले फॉर्मूले कितने इंपॉर्टेंट है, वन प्लस कॉस थीटा क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, तो वन प्लस कॉस थीटा ना इसका हाफ एंगल आएगा, क्या आएगा टू कॉस स्क्वायर फोर एक्स हो जाएगा इसका हाफ एंगल ना, ठीक है चलो तो ये आ गया फोर, वापस देखो क्या आएगा रूट टू प्लस रूट टू प्लस, अच्छा टू टू जब फोर, फोर का स्क्वायर क्या होता है टू, ये भी स्क्वायर है तो ये भी बाहर आ जाएगा, अच्छा एक मिनट रुको
ये भी रूट के अंदर ही रहेगा ना, मैंने मिस्टेक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी एक रूट है, हाँ सेम यहाँ पे भी एक है। ओके तो अभी टू कॉस, हाँ स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो टू कॉस फोर एक्स बचेगा ना। हाँ फोर का टू आएगा बाहर, कॉस स्क्वायर का कॉस आएगा। अच्छा चलो, और एक रूट हट गया ना, तीन रूट था। ओके सेम देखो, अभी इसमें भी टू कॉमन लो, क्या आ रहा है, वन प्लस कॉस फोर एक्स, वापस वन प्लस कॉस सीटा, क्या फॉर्मूला है। चलो इसकी इधर ही सॉल्व करता हूँ, टू टू ओके वन प्लस कॉस सीटा ना, टू कॉस स्क्वायर थीटा बैठो, इसका हाफ एंगल टू एक्स है। ओके तो अगेन देखो, रूट टू प्लस, हाँ टू टू, अच्छा सब रूट में, तो रूट फोर क्या होता है, टू आता है और स्क्वायर है ना, तो सिर्फ कॉस टू एक्स बचेगा। तो वापस अगेन सेम थिंग ना, क्या करने का, टू कॉमन लो, वन प्लस कॉस टू एक्स, क्या होता है वन प्लस कॉस टू एक्स, टू कॉस स्क्वायर हाफ एंगल ना, ठीक है तो फोर और कॉस एक्स ना, टू कॉस एक्स बचेगा, आर एच एस आ गया, एकदम सिंपल चलता है। एक ही फॉर्मूला करने का, वन प्लस कॉस थीटा क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू। तो देखो टू कॉमन लिया, वन प्लस कॉस थीटा, इसका हाफ एंगल टू कॉस स्क्वायर, अच्छा ये टू टू ज़ा फोर, तो इसका स्क्वायर रूट टू हो गया, कॉस स्क्वायर का सिर्फ कॉस आ गया, और ये एक रूट हट गया, हाँ हट गया, तो तीन रूट का दो रूट हो गया। वापस सेम टू कॉमन लो, हाँ वापस टू कॉस स्क्वायर, रूट हट गया ना, खत्म ना, सिंप्लीफाई कर दिया, खत्म हो गया सब, समझा। चलो लास्ट सम करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सम्स हो गए ऐसे भी, और इतना सारा एक पार्ट में करना थोड़ा डिफिकल्ट थिंग भी, आपको थोड़ा समझने वाइज अंडरस्टैंडिंग वाइज भी प्रॉब्लम होगा। चलो लास्ट सम, चलो LHS लिया, हाँ ठीक है सम रिपीट किया। अब देखो मेरे को क्या दिख रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा कॉस टू थीटा कॉस फोर, आंसर क्या है, साइन सिक्सटीन थीटा। तो साइन से रिलेटेड दो ही फॉर्मूला है, एक तो ये है कि तो टेन तो किधर भी दिख नहीं रहा है मेरे को, ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ क्या, साइन टू थीटा, रुको चलो थोड़ा ये करता हूँ, साइन टू थीटा कैन बी रिटन एज टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो कैसे भी ये फॉर्मूला आ सकता है। चलो चलो एक काम करता हूँ, टू साइन थीटा कॉस थीटा ना, तो एट ले सकता हूँ। अब देखो क्या हो रहा है, टू साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया है ना, और अच्छा ये दोनों साथ ले लिया तो क्या बचेगा, कॉस टू थीटा कॉस फोर थीटा और कॉस एट थीटा, अच्छा एट ये वापस हो गया, साइन टू थीटा कॉस टू थीटा कॉस फोर थीटा कॉस एट थीटा। ओके अगेन सेम थिंग, एट है ना, तो एट को मैं क्या कर सकता हूँ, देखो एट को मैं लिख सकता हूँ वापस फोर इंटू टू, ऐसा स्प्लिट कर सकता हूँ, कॉस टू थीटा तो वापस ये क्या आएगा मेरे को, टू साइन थीटा कॉस थीटा, उसका डबल एंगल होता है ना, तो क्या आएगा फोर इंटू साइन फोर थीटा ना। ओके वापस इसको स्प्लिट करो, टू टू साइन फोर थीटा कॉस फोर थीटा, अगेन सेम थिंग ना, ऑब्वियस है ये भी क्या हो जाएगा, साइन एट थीटा कॉस एट थीटा, और फाइनल हो गया ना, एट है और एट है ना, उसका डबल क्या आएगा, साइन सिक्सटीन थीटा, फिनिश हो गया, विच इज़ इक्वल टू आर एच एस, सिंपल सा सम था, देखो कुछ भी नहीं था, देखो सिक्सटीन को टू साइन थीटा कॉस थीटा में एट इंटू टू कर दो, हाँ और टू साइन थीटा कॉस थीटा करना साइन टू थीटा, फिर बाद में ये दोनों को करो, एट को स्प्लिट कर दो फोर इंटू टू, हाँ वापस ये फॉर्मूला हो गया साइन फोर थीटा का, वापस फोर को स्प्लिट कर दो टू इंटू टू, ये फॉर्मूला हो गया साइन एट थीटा का, खत्म हो गया ना सब, सिंपल सम था। ठीक है तो आई थिंक ज़्यादा भी नहीं, और देखो ऐसा क्या होता है, बहुत सारे टॉपिक्स ना से ट्रिकी रहते, आई थिंक टेंथ का ट्रिक को भी आपको इनिशियली बहुत ट्रिकी लगा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना ट्रिको ईजी है, और देखो प्रूफ वाले समय तो डेफिनेटली बोलते ना हम कन्फर्म मार्क्स है, तो करके लो, प्रैक्टिस करना आपको, प्रैक्टिस करोगे ना ट्रिको एकदम ईजी थिंग है, प्रैक्टिस करना, और आप स्किप भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि इंजीनियरिंग और आगे बहुत यूज़ होगा, देखो इनफैक्ट इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में भी ना ट्रिगो के फॉर्मूले ज्यादा आएंगे ही आपको, तो आप ऐसे स्किप करोगे तो फंस जाओगे, वो सारे सम आपको स्किप करने पड़ेंगे, तो ट्रिगो कर लो अच्छे से, आपको करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। ठीक है तो गाइस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो।